एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में किसी न किसी पॉइंट पर जरूर आता है वो है कि वर्कआउट के टाइम हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और अगर हमें पानी पीना चाहिए तो कितना पानी हम वर्कआउट के टाइम पर पी सकते हैं और उस पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हमें ठंडा पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए या नॉर्मल पानी पीना चाहिए। देयर आर अ फ्यू मिथ्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड आज इस वीडियो में इस टॉपिक से जुड़े हर एक सवाल का जवाब हम लोग साइंस के नजरिए से ढूंढने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस टॉपिक से जुड़े जितने भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में हैं वो सारे क्लियर हो सके। बिकॉज आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखते हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको दोबारा कभी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ऑल्सो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो देन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल पर बाकी सारी वीडियोज भी जरूर चेकआउट करो, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल की वीडियोज देखने से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो रही है, आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, देन सब्सक्राइब करके आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, पहला सवाल है कि क्या हमें वर्कआउट करते टाइम पानी पीना चाहिए या नहीं। एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस, हमें वर्कआउट करते टाइम पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि वेट्स लिफ्ट करने के लिए या फिर अपना मैक्सिमम एफर्ट देने के लिए जिम में या किसी भी वर्कआउट में हाइड्रेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। और हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वर्कआउट के टाइम पर हमें पानी पीना है, वर्कआउट से पहले भी हमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक चाहिए और वर्कआउट के बाद भी। पानी आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, पानी आपके जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है, जो खाना आपने खाया है उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में पानी हेल्प करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हो तो आप कभी भी अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं दे पाओगे, आप जिम के अंदर टायर्ड फील करोगे, आपको चक्कर भी आ सकते हैं और आपको मसल क्रैम्प्स भी फील हो सकते हैं। ओके, सो इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है कि हमें वर्कआउट के टाइम पर एक्चुअली कितना पानी पीना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट कितना है वो इस चीज को अफेक्ट करेगा, आप जहां वर्कआउट कर रहे हैं वहां पर मौसम कैसा है, किस इंटेंसिटी पर वर्कआउट कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, आपको कितना ज्यादा पसीना आ रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज को डिटरमिन करते हैं कि आपको एक्चुअली कितना पानी पीना चाहिए, और ये चीज हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होती है। बट जनरली अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक घंटे का वर्कआउट कर रहे हो तो आप उसमें करीब करीब एक लीटर के आसपास पानी पी सकते हो सिप बाय सिप। दिस इज जस्ट अ जनरल नंबर। अगर मैं अपने वर्कआउट्स की भी बात करूं तो मैं 750 ml से लेके 1 लीटर तक पानी पीता हूं एंड मेरे वर्कआउट्स नॉर्मली 1 घंटे के अराउंड होते हैं। तो आप हर सेट के बाद या हर 2 सेट्स के बाद थोड़ा सा पानी सिप बाय सिप पी सकते हो एंड दैट शुड बी फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हमको चिल्ड वाटर पीना है, हमको नॉर्मल पानी पीना है या फिर हमको गर्म पानी पीना है। एंड आपको जिम में बहुत सारे लोग ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमें गर्म पानी पीना चाहिए या नॉर्मल पानी पीना चाहिए वर्कआउट के दौरान, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म होती है तो अगर हम उसके ऊपर ठंडा पानी पिएंगे तो वो नुकसान देगा, हमें मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे। बातें बताने वाले, ऐसी थ्योरीज बताने वाले आपको बहुत लोग जिम में मिल जाएंगे, बट ऑल ऑफ दैट इज कम्प्लीटली BS। जैसा भी पानी आपको पसंद है, जो भी टेम्परेचर आपको पानी का पसंद है वैसा आप पियो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। द इंपॉर्टेंट थिंग इज के बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है एंड उसके लिए पानी की इंटेक जरूरी है। तो जिस भी टेम्परेचर का पानी आपको बेस्ट सूटेड है, आपको बेस्ट लगता है, उस टाइम पे पीने का मन करता है, वो चिल्ड वाटर हो सकता है, आप अपने पानी में आइस ऐड कर सकते हो, आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहते हो वो पी सकते हो, आप थोड़ा वार्म वाटर पीना चाहते हो वो पी सकते हो, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। उसके बाद जो आखिरी सवाल आता है वो ये है कि काफी सारे लोग पूछते हैं कि हमें एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि हम कम पानी पी रहे हैं या फिर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। तो डिहाइड्रेशन के कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, वॉमिटिंग या फिर आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाना, मसल क्रैम्प्स आना या फिर ड्राई माउथ। इन सब में से अगर आपको कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि जितना पानी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है आप उतना पानी नहीं पी रहे हो और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। सो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड मेक श्योर कि आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हैं अपने वर्कआउट्स के दौरान। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन और क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में वो सारे मैं इस वीडियो में एड्रेस कर पाया हूं। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है देन प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूं और उन सब का मैं रिप्लाई करता हूं। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके दिमाग में जो भी सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड जय हिंद।